नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वेंकी कुटुर चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पुराने साड़ी में से नया एक अलग ड्रेस कैसे बनाना है। और ड्रेस का पहले तो डिज़ाइन हम कर लेते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, मेरे चैनल को बहुत कम व्यूज़ आते हैं, जबकि मैं नई नई चीज़ें, क्रिएटिव चीज़ें, क्रिएटिव ड्रेसेस कैसे बनाने हैं ये मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको। हाँ, हालांकि चैनल काफ़ी नया है, इसलिए आपको बहुत सारे नए डिज़ाइन देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आगे जो नए डिज़ाइन देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर भी कीजिए। अब मैं पहले तो स्केच करता हूँ, क्योंकि हम क्या बनाने जा रहे हैं उसका स्केच मैं करता हूँ। ये क्लोज नेक है स्टैंड की तरह, स्लीवलेस रहेगा, सामने से कट रहेगा। कट इसलिए रहेगा क्योंकि हमें जो साड़ी का पल्लू है उसमें से ऊपर का भाग निकालना है और बाकी के कपड़े से फ्लेयर बनाना है। यहाँ पे प्लीट्स आएंगे और साड़ी के पल्लू को हम तिरछा बिठा सकते हैं प्रिंट के हिसाब से, या हम सीधे भी बिठा सकते हैं। तो ये है आज का डिज़ाइन। ओके, तो हम शुरू करते हैं नए कपड़े के साथ। साड़ी ये हमारा ये है, इससे पहले भी हमने सेम साड़ी का ही ड्रेस बनाया था, लेकिन उसका वीडियो हमने बना नहीं पाए। और आज हम इसका जो बचे हुए कपड़े से वापस एक ड्रेस बनाने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं इसको बनाने का, क्योंकि ये ऊपर का हिस्सा मरून में है तो हम मरून कपड़ा ले रहे हैं। लाइनिंग, पहले लाइनिंग में कट करते हैं। ये कपड़ा यहाँ से फोल्ड ओपन है, ये पूरी पन्ना टू पन्ना फोल्ड करने के बाद जहां से ओपन का हिस्सा है, यहां से ओपन है, यहां पे फोल्ड है, तो हम यहां से शुरुआत कर रहे हैं। पहला फ्रंट हम कट करते हैं, प्रेस करते हैं पहले कपड़े को। पहले तो सीधी लाइन खींचते हैं, ऊपर का हिस्सा हम कट कर लें। तो फर्स्ट तो ये है टॉप की जो लंबाई होती है उस पर हम वेस्ट लेंथ निकालते हैं। तो वेस्ट लेंथ हम ले रहे हैं अभी 14 के नीचे और एक 1.5 इंच की पट्टी आ रही है, तो वो हम अलग से कट करेंगे। 14 यहाँ से 14, और आर्मोल लेंथ निकालेंगे। आर्मोल लेंथ कितना निकालेंगे, 7 पे लेते हैं, क्योंकि स्लीवलेस है, अगर स्लीवलेस नहीं होता तो 7.5 ले लेते हैं। स्लीवलेस है और इनर कट है थोड़ा सा, तो हम शोल्डर ले रहे हैं 13। अगर 14 होगा तो हमें 14-15 होगा तो 13 लेना है। अब हम इस साइज में ना एस साइज का मॉडल बना रहे हैं, तो एस साइज के जो मेजरमेंट्स हैं हम वो डालेंगे इसमें। तो ये आएगा 36 रेडी और 32 कमर। ये हमने दो पॉइंट जोड़ दिए। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र से ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र से आएंगे तो मुझे मराठी में वीडियो बनाने पड़ेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि ऑल ओवर इंडिया मुझे देखें, और मैं हिंदी में वीडियो चैनल सपोर्ट करता रहूँ। वैसे मैं मराठी में भी वीडियो बनाने जा रहा हूँ।
अब मैं यहाँ गले से यहाँ 2.5 इंच ले लिया था और 4 इंच डीप। ये क्लोज नेक है कॉलर की तरह। मेजरमेंट्स में मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट कीजिए, ताकि मैं चाहता ही हूँ कि मैं और बेहतर वीडियोस बनाऊँ। मैं तो अभी सिर्फ एक डिज़ाइन को कैसे आपको दिखा सकता हूँ, नई नई साड़ी में से कैसे ड्रेस बनता है ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अगर मेजरमेंट्स और आपको बेहतर तरीके से देखना है तो आने वाले चैनल्स देख लीजिए, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। फ्रंट का नेक शोल्डर से मैं करीब 8 इंच ले रहा हूँ, थोड़ा सा डीप है ये। साड़ी का पल्लू है, अब जो अस्तर हमने काटा है उसको इस तरह से प्लेस करना है। अब इसमें मैं चाहूँ तो सीधे सीधे लाइन में बिठा सकता हूँ, या थोड़ा तिरछा करके भी बिठा सकता हूँ। तिरछे में थोड़ा नया अलग लुक आ जाएगा, तो मैं तिरछा ही बिठाना चाहूँगा। तिरछे में अगर मैं तिरछा बिठाता हूँ तो ये कुछ इस तरह से ए लाइन आ जाए, ए तरह ए की शेप में आ जाएगा। सभी मिला लीजिए ताकि जब बनेगा कट होने के बाद फिर हम कुछ नहीं कर पाए। ये हम बचे हुए साड़ी का पार्ट ले रहे हैं, इसको फोल्ड करते हैं नीचे से। इसमें जितना भी लेंथ बैठ रहा है उतने पे हमें मार्किंग करना है। ये नीचे का प्लेयर का हिस्सा है, इसको हम प्लेट देके बिठा देंगे। ये इसका लाइनिंग है, अब इसे कैसे बनाना है मशीन को बनाने के बाद देखा। मशीन पे चलते हैं। अब हमने जो साड़ी का कपड़ा हमने कट किया था उसका जो ये इस पार्ट से ये है गला,
और इस पार्ट से हम सेंटर ब्लॉड दे रहे हैं। सेम लाइनिंग को भी उसी तरह से सेंटर ब्लॉड देना है। अब इसको सीधा रखिए और सीधे को जवाबी रखिए। क्योंकि हम पूरी तरह से कवर कर रहे हैं इसलिए शोल्डर के हिस्से को स्टिच ना करके गले से पूरा गला करो। इस पाम पलटी करके कवर करने वाले हैं। सेंटर ठीक से मिला लीजिए। जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे हमें कट करना होगा। इसे पलटी करके हमें प्रेस करके देना है। क्योंकि हम पूरा पार्ट कवर कर रहे हैं इसलिए शोल्डर फ्रंट का शोल्डर जो है वो बैक के शोल्डर में कवर कर रहे हैं। ये हम कॉलर की पट्टी बना रहे हैं। फ्लेयर है
लेयर के दो पार्ट हैं, दो में से एक एक पार्ट हम कंप्लीट करते हैं। सेंटर है यहाँ पर, एक एक इंच के प्लीट देना है। सेंटर पे जुड़ने के बाद ऑपोजिट प्लीट देना है। दोनों साइड मिला लीजिए और साइड स्टिच कर लीजिए। अब इसे अच्छी तरह से प्रेस करके डमी पे चढ़ाएंगे। दोस्तों, हमारा आज का ओल्ड साड़ी में से बना हुआ ड्रेस देख लीजिए। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। लकी सब्सक्राइबर को हम यही ड्रेस दे रहे हैं जो डमी पे चढ़ा हुआ है। और हाँ, ध्यान में रखिए, पिछले वीडियो में जो हमने प्रॉमिस किया था, ऐश्वर्या काकड़े जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्हें हमने एक डिजाइनर कुर्ती दे चुके हैं, उनको वो मिल भी चुका हुआ है। उसका कौन सा कुर्ती था वो भी मैं डमी पे दिखाऊंगा। थैंक यू।